अयोध्या में हेरिंगटनगंज ब्लॉक के अछोरा गांव में कांग्रेस का आयोजित कार्यक्रम संगठन सजन अभियान शुरू हुआ है। कांग्रेस का संगठन सजन अभियान में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर गठन हो रहा है और किसानों से संवाद कर रहे हैं। 23 जनवरी से फरवरी के अंत तक 8000 न्याय पंचायत का गठन होगा। प्रदेश में राजनीति का नया आयाम लिखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि चाहे बदायूं की घटना हो या कहीं और की, कांग्रेस का डेलीगेशन सबसे पहले पहुंचा और उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि जो सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को घेरती थी, वही सरकार शमशान में दलाली कर रही है। गाजियाबाद घटना को लेकर कहा कि 26 लाख में 16 लाख की दलाली की गई। उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में हैं। कानून व्यवस्था चाहे बदायूं की घटना हो, कांग्रेस पार्टी का पहला डेलीगेशन वहाँ गया, उन लोगों से मिला, उनकी आवाज़ को हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। जो सरकार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरती थी, आज वो सरकार शमशान में दलाली कर रही है। 26 लाख में 16 लाख रुपये की कमीशन खा रही है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके जीरो टॉलरेंस का सच पशुधन घोटाले, सहकारिता विभाग के घोटाले और DHFL जैसे 40 घोटाले इस सरकार में हुए हैं, जो पूरी तरह प्रमाणित है। ये सरकार नौजवानों को रोजगार दे पाने में भी अक्षम रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर इस सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही, सदनों में आवाज उठा रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने अंत में कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस का सच सबके सामने पहुंचा है। पशुधन घोटाले से सहकारिता विभाग तक घोटाला पहुंचा। इस समय बीजेपी सरकार में 40 घोटाले हैं।